आई विल बिगेन दिस चैप्टर। तो सबसे पहले कुछ हम पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं उसके बारे में, फिर क्वेश्चन आंसर कराएंगे दूसरे पार्ट में। तो लेट्स स्टार्ट विद द न्यू पॉइंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट ही पे आ गए। ठीक है, पॉइंट दैट डिटरमाइन ए लोकेशन। हम कुछ बेसिक पॉइंट लेके आए हैं, इसको हमने नोट डाउन कर दिया है कि वीडियो छोटी बने। ठीक है, पॉइंट क्या होता है, एक लोकेशन को बताता है। जैसे मान लीजिए कि एक पॉइंट है ये, ठीक, जैसे एक लाइन ड्रा कर दिया गया है। अब इसमें हम बता दें कि पॉइंट लगाया, जैसे मान लो पी है, क्यू है, ये क्या है, हमारा पॉइंट है, ये लोकेशन को डिफाइन कर रहा है, ई क्यू आर। ठीक है, फिर लाइन सेगमेंट की बारी आ गई। लाइन सेगमेंट टू एंड पॉइंट होते हैं। देखिए दो तरीके से होता है, एक लाइन होती है, एक लाइन सेगमेंट होता है। लाइन में क्या होता है, इनडेफिनाइट होता है वो डायरेक्शन, तो इसमें एरो लगाते हैं और इसमें बार लगा देते हैं। इसमें लाइन सेगमेंट में क्या होता है, टू एंड पॉइंट होता है। लाइन सेगमेंट में टू एंड पॉइंट यानी कि एंड पॉइंट होंगे इसके, यानी कि ए बी। ठीक है, वेयर एज लाइन में क्या होता है कि एरो लगा होगा इसमें, यानी कि यहाँ से एक्सटेंड कर सकती है। ऑल राइट, क्लियर। फिर इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब क्या होता है, दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है किसी एक कॉमन पॉइंट पे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ये कॉमन पॉइंट है, दिस इज इंटरसेक्टिंग लाइन। ऐसे हमने कॉमन कॉमा कर दिया, ठीक है, कॉमन पॉइंट कर दिया। ठीक है, ओके, ये हो गया हमारा क्यू। ठीक, इसमें एक और पॉइंट ले ले, ऐसे ले ले, ठीक है, ये सब कॉमन पॉइंट है, ये क्या है हमारे इंटरसेक्टिंग लाइन। पैरेलल लाइन क्या होती है, द लाइन दैट डोंट मीट एट एनी पॉइंट। पैरेलल लाइन आपने देखी होगी रेलवे ट्रैक पे, ठीक है, टेबल जो रेक्टेंगुलर शेप में होती है, ओके, तो ये क्या है, पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन दे नेवर मीट एट एनी पॉइंट। जैसे मान लीजिए कि 10 सेंटीमीटर का गैप यहाँ है तो 10 सेंटीमीटर का यहाँ पर भी होना चाहिए। ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये क्या ये पैरेलल लाइन है, नहीं होगी, क्योंकि अगर वर्चुअली मीट कराएंगे तो ये नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर 10 होगा, वेरी कर रही है, तो इट्स मीन दिस इज़ नॉट ए पैरेलल लाइन। ठीक है, तो ये पैरेलल लाइन नहीं है। ठीक है, अब सेकेंड में पॉइंट नंबर 6 में क्या कह रहा है, रे, आपने टार्च तो देखी होगी या CFL देखा होगा, एक एंड पॉइंट होता है और एक एंडलेस पॉइंट होता है। एंड पॉइंट, फर्स्ट एंड पॉइंट क्या होता है, ओरिजिन होती है, ओरिजिन जैसे लाइट ओरिजिन हो रही है, लाइट निकल रही है और एक एंडलेस पॉइंट पे जा रही है, इसको हम रे कह देंगे, जैसे सन है। ठीक है, टार्च है, टार्च में एक एंड पॉइंट होता है जहाँ से लाइट ओरिजिन हो रही है उसकी। ठीक है, ओके, ठीक, थोड़ा से फास्ट बताना पड़ता है क्योंकि वीडियो छोटी बनानी होती है, तो इस वजह से थोड़ा से। कर्व का मतलब क्या होता है, जैसे कर्व है, नॉट ए स्ट्रेट लाइन, ये कर्व है, ठीक, ये कर्व है, ठीक, इसमें इन्होंने दिया इट्स डॉडलिंग एंड नॉट ए स्ट्रेट। फिर पॉलीगन के बारे में बात करते हैं। पॉलीगन, एक सिंपल क्लोज कर्व को हम पॉलीगन बोलते हैं। ठीक है, एक रेगुलर पॉलीगन होता है, एक इरेगुलर पॉलीगन होता है। ठीक है, रेगुलर पॉलीगन इक्वी एंगुलर इक्विलेटरल होते हैं। ठीक है, तो पॉलीगन क्या होता है, सिंपल क्लोज कर्व को हम पॉलीगन बोलते हैं। जैसे पॉलीगन एक ट्राइंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ठीक। वर्टेक्स का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा पॉइंट नंबर 9। वर्टेक्स क्या है, ए मीटिंग पॉइंट ऑफ ए पेयर ऑफ साइड। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि दो साइड हैं, वो किसी पॉइंट पे मिल रही हैं इस तरह से। देखिए ये एग्जांपल ले लेते हैं, ये दो साइड हैं, वन साइड और ये टू साइड, ये मिल रही है, ये वर्टेक्स हो गया, ये इसका आर्म हो गया। ठीक है, ये वर्टेक्स हो गया, ये इसका आर्म हो गया। ठीक, एडजेसेंट साइड का मतलब क्या होता है, एक साइड के बाद अगली साइड, एक साइड के बाद अगली साइड। ठीक है, तो ये हमारी एडजेसेंट साइड हो गई। जैसे मान लीजिए कि ये एक रेक्टेंगुलर बोर्ड है, तो ये और ये एडजेसेंट साइड हो गई। ठीक है, ये और ये वाली एडजेसेंट साइड हो गई, ये ए बी और ये सी डी, ये एडजेसेंट साइड हो गई। ठीक है, तो ये एडजेसेंट साइड का एग्जाम्पल हो गया। डायगनल का ले लेते, टू नॉन एडजेसेंट साइड को हम मीट करा देते हैं, उसको हम डायगनल बोलेंगे। जैसे ये 1, 2, 3 और 4 है, तो 2 और 4, ठीक है, यानी कि ये वाली और ये वाली। ठीक है, जैसे 1, 2, 3 और 4,
ठीक है, टू और फोर को हम क्या कर देंगे, नॉन एडजेसेंट साइड में ले लेंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका भी, ए बी सी डी, ए बी और बी सी क्या है, एडजेसेंट साइड है और ये नॉन एडजेसेंट साइड, इसको हम डायगोनल बोलेंगे। बी और डी क्या है, बी डी डायगोनल है। ओके ठीक, अब एंगल है, अब दो साइड होंगी उसका एक कॉमन पॉइंट होगा, जो ओरिजिन होगी वही एंगल है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट पे जब मीट करेंगे तो वर्टेक्स बन जाएगा, यही वर्टेक्स का एक पर्टिकुलर एंगल होगा। ठीक है, व्हेन द टू साइड्स हैव ए कॉमन पॉइंट, कॉमन इनिशियल पॉइंट, ठीक है, इसको हम एंगल बोलते हैं। एंगल दो तरीके से होते हैं, एक इंटीरियर एंगल होता है, एक एक्सटीरियर एंगल होता है। ठीक है, देखते हैं इसको भी समझते हैं। जैसे ये रीजन है, ये आर्म है हमारा, ये एंगल है थीटा, इसमें कोई एंगल बना, कोई पॉइंट है, तो ये हमारा इंटीरियर एंगल में आ रहा है, ये इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल में चला जाएगा। जितने बाहर हैं रीजन से वो एक्सटीरियर में चले जाएंगे, और कोई इंटीरियर के ऊपर भी है, ये इस पॉइंट पे लाई कर रहा है, तो इट कंसीडर एज ए इंटीरियर एंगल। ऑलराइट, ठीक है, फिर ट्राइंगल है, क्वाड्रिलेटरल है और सर्किल है, लास्ट पॉइंट है, तीन पॉइंट बचे हैं अभी। ठीक है, तो ट्राइंगल में क्या होगा, थ्री साइड्स होती हैं इसमें। ट्राइंगल तीन तरीके से होते हैं, एक आइसोस्केल होता है, स्केलिन होता है, इक्विलेटरल होता है। आइसोस्केल में टू डिफरेंट टू साइड्स आर इक्वल होता है, स्केलिन में थ्री डिफरेंट साइड होती है, और इक्विलेटरल में थ्री साइड्स आर इक्वल होता है। ठीक है, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं फिर से दूंगा, ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन में। अब सेवन्थ क्लास और एट्थ क्लास वाली वीडियो बनेगी, ठीक है। और फिर क्वाड्रिलेटरल हो गया, क्वाड्रिलेटरल क्या है, फोर साइड होते हैं। क्वाड्रिलेटरल भी कई तरीके से होते हैं, ऐसे स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, ट्रेपेजियम है, रोम्बस है, स्क्वायर में 90 डिग्री होता है, अपोजिट साइड आर इक्वल, साइड ऑल साइड आर इक्वल, ठीक है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड आर इक्वल होती है। ठीक है, ये देखिए रेक्टेंगल बना, ये अपोजिट साइड आर इक्वल होगी और एंगल जो होगा 90 डिग्री होगा। स्क्वायर भी इसी तरीके से है, थोड़ा से ऑल साइड आर इक्वल हैविंग 90 डिग्री, एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। पैरेललोग्राम इस तरह से बनता है, इस तरह से, इस पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड आर इक्वल होगा। इसकी प्रॉपर्टी और बताई जाएगी, क्योंकि ये अभी सिक्स क्लास का बेसिक पॉइंट है, इस वजह से डिटेल नहीं दे रहे हैं। ठीक है, फिर हमारा आता है सर्किल। सर्किल पॉइंट क्या है, ये हमारा सेंटर है, सेंटर से किसी भी लाइन पर जाएगा, मीट करेगा, तो वो रेडियस हो जाएगा, ये हमारा रेडियस है। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस होती है इसमें, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस होगी, किसी भी पॉइंट पे मिलाएंगे। जैसे मान लीजिए 10 ये है, तो इट मस्ट बी 10 10 10 10। ऑलराइट, फिर रेडियस का डबल क्या होता है, डायमीटर होगा, इट इज पासेस थ्रू द सेंटर। ठीक है, रेडियस का डबल क्या होगा, जैसे रेडियस 10 है, 10 10 20 हो गए, ये डायमीटर हो जाता है। फिर कॉर्ड होती है, और ठीक है, ये आर्क को बोलते हैं कॉर्ड, ये इस तरह से सेंटर से टच ना करें, बस इसको हम कॉर्ड बोलते हैं, बस इतना है आपने। अब इसकी अगली वीडियो क्वेश्चन आंसर होंगे, कॉन्सेप्ट होंगे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।